पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा है और उनका आभार व्यक्त किया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद की जमकर सराहना की थी। इसी चिट्ठी के मिलने के बाद रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए लिखे गए शब्दों के लिए उन्होंने कहा कि इन शब्दों ने मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया है। रामनाथ कोविंद ने कहा, पीएम मोदी के पत्र में मेरे लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया वो मेरे प्रति उनके प्रेम और आदर को दर्शाता है। मैं इन सबके लिए सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए जो चिट्ठी लिखी थी उसमें क्या कुछ लिखा था, जरा ये भी आपको बता देते हैं। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक की आपकी यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा के समान है। बतौर राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने के बावजूद आपने हमेशा समाज के पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए कदम उठाए, जो ये साबित करता है कि आप सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पिछड़े लोगों के प्रति कितने ज्यादा संवेदनशील हैं। अपने लिए लिखे गए इन तमाम शब्दों को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भावुक हो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो गया था और उसके बाद 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ने भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। आपको बताते चले, द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठने वाली पहली आदिवासी महिला है और यही वजह है कि उनकी भी हर तरफ तारीफ हो रही है और चर्चा हो रही है। खैर, द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुकी हैं, लेकिन इन सबके बीच देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया किया, सभी का आभार व्यक्त किया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? और जिन शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए किया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।